कोरोना वायरस की वबा के साए में मुल्क के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ में भी ईद उल फितर का नहायत सादगी के साथ अहतमाम किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मजहबी इबादत गाहों पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी और लोगों को ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करने की हिदायत दी गई थी। इसी तर्ज पर नांदेड़ में भी लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। ईदगाहों पर नमाज का अहतमाम नहीं किया गया, जबकि मस्जिदों में महज 5-5 अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने और गले मिलने का कल्चर होता है, लेकिन इस मरतबा कोरोना की वजह से लोगों ने फोन पर ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिलने से भी गुरेज किया। नमाज के अख्तिताम पर मुल्क में अमन अमान, भाईचारा और कोरोना से नजात के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं की गई। ईद के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا اللهم إنك عفو تحب العفو فإنا يا كريم اللهم لمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل اسم لا تدع اللهم إنك عفو تحب العفو فإنا يا كريم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك الحمد لله मैं अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये मुबारक महीना रमज़ान मुबारक का अता फरमाया और जो है ये ईद उल फितर हमको तौफीक बख्शी ईद उल फितर की। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि ये वायरस जो फैल रहा है तो इसलिए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, इसलिए जो है हमने उसका पालन किया। और ईदगाह पर भी जो ना पढ़ते हुए नमाज, मस्जिदों में भी ना पढ़ते हुए हमने जो है अपने अपने मकानों के अंदर नमाज ईद अदा की और जो है हुकूमत का जो है क़ानून का पालन किया। और साथ साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़ा एहसान है कि तमाम मुसलमान जो है एक साथ जो है नमाज ईद अदा करें, यानी अपने अपने मकानों के अंदर। और जो है मैं जो है हुकूमत से ये कहता हूँ कि जो है मुल्क के अंदर जो है अमन और अमन व आश्ती और भाईचारा की फ़िज़ा को कायम रखे और सही जो है गाइडलाइंस करे और जो है अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और दिल की गहराइयों से जो है मुल्क के तमाम मुसलमानों को, सभी को जो है ईद की पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कोरोना वायरस मुल्क से जल्द से जल्द, और अल्लाह ताला से हम ये भी दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस जो है इस मुल्क से जल्द जो है ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सो ईद की नमाज अदा हुई, हम लोग अपने अपने घरों में नमाज की ईद अदा करें। हमको
कलेक्टर साहब के तरफ से और पुलिस की तरफ से हमको ये हुआ था कि भाई आप मस्जिद में और ना ईदगाह पे जाएं, बल्कि अपने अपने घरों में इबादत करें, यानी नमाज़ पढ़ें। तो आज हम ईद उल फितर की नमाज़ हम अपने अपने घरों में अदा किए और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जो कारणवास फैला है इसको अल्लाह ताला हर तरीके से दूर फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की और तमाम लोगों को इससे हिफाजत फरमाए। ये जो फैला है इससे तमाम लोग परेशान है, तो दूसरा कुछ नहीं, हम इससे यही दुआ करते हैं कि भाई जल्द से जल्द अल्लाह ताला इसको दूर करे और तमाम लोगों का ये परेशानी को दूर करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद रियाज की जानिब से आलम इस्लाम को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, इतने नाजुक हालात में भी अल्लाह ने रमज़ान जैसा महीना हमें नसीब फरमाया और हमने इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाया। रमज़ान ही नहीं, हमने दीन और शरीयत दोनों को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान की ईद मना रहे हैं। सोशल डिस्टेंस भी हमने कायम रखा, हुकूमत ने हमें जो हिदायत दी थी हमने उन्हीं का भी पालन किया, शरीयत ने जो हमें हिदायत दी थी हमने उसका भी पालन किया। हमने मस्जिदों में नमाज नहीं अदा करते हुए अपने घरों में अपने दुकानों में नमाज ईद अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद हुई। हम इसके दिन की गहराइयों से आलम इस्लाम को और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग बसते हैं उनको दिन की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आज के दिन जिस किसी की भी आप सुनते होंगे, आपको जो भी चाहने वाला होगा, उसके ज़रिए से सबसे पहले इस कोरोना जैसे वायरस को इस दुनिया से ख़त्म करे, इस बीमारी में जो मुब्तला है इसको सेहत याब करे और जिसको अल्लाह इसमें गुजर गए उनकी मगफरत करे। आमीन।